हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी हो रहा है सुबह को 5:30। मैं थोड़ा जल्दी उठ चुका हूँ क्योंकि कल रात को मैंने कुछ नहीं खाया था, तो इसीलिए थोड़ा लगता है मेरे को एसिड हो गया है यहाँ पर, तो यहाँ से कुछ पेन हो रहा है मेरे को। तो जल्दी जल्दी मैं उठ चुका हूँ, थोड़ा ब्रश करके कुछ खा लेते हैं, देखते हैं ठीक होता है कि नहीं। अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पेन हो रही है, यहाँ पर पेन हो रही है, लगता है मेरे को एसिड हो चुका है। फिलहाल मैं सुबह सुबह ब्रश करके कुछ खा चुका हूँ, और खाने से पहले मैंने एक टैबलेट ले लिया, तो ये राबिजोल DSR है, तो ये एसिड का टैबलेट था। तो अभी टाइम हो रहा है फिलहाल 8:30 के ऊपर हो चुका है, थोड़ा बेटर फील हो रहा है। तो चलिए थोड़ा हॉस्पिटल नहीं जाएंगे अभी, बस थोड़ा रेस्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर भाभी सुबह सुबह नहा धो के यहाँ पर ब्रश डाल रही है। फिलहाल अभी सुबह सुबह ज्योति खा रहा है सलक्स, उसे मम्मी खिला रहा है, ज्योति का मम्मी खिला रहा है उसे। उसे भूख लगी थी तो रो रहा था, तो अभी थोड़ा बदमाशी कर रहा है, खा नहीं रहा है। और ये देखिए खा रही है, अभी जबरदस्त खिला रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 12:10 बाकी, बस अभी थोड़ा फ्रेश होते हैं, हाथ पैर धोते हैं और खाते हैं। तो लंच टाइम हो चुका है, तो आज लंच में क्या बनी है देखते हैं। फिलहाल दोपहर हो चुकी है, बस अभी खाते हैं लंच। लंच में बनी है भात तो बनी है, साथ में बनी है आलू चोखा, और साग बनी है, साग के साथ डालमा बनी है, दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए, तो देखिए घर में बनी है डालमा, देखिए डालमा बनी है, और दाल में थोड़ा आलू और पपैया डाल के भाभी ने बनाया है, और साथ में ये आलू चोखा, देखिए आलू चोखा, और ये रहा साग, ये देखिए, तो ये रहा साग। तो चलिए खाते हैं मस्त, सारा लोग बैठ चुके हैं, दादी तो बैठ के खा रही है अभी, तो बाबूजी नहा रहे हैं, और हमारा छोटा भाई जो बैठ के मोबाइल टिप रहा है, तो गेलू यहाँ पर खेल रही है ज्योति के साथ, मम्मी और गेलू। बस मैं अभी बैठ रहा हूँ, गेलू को खिलाऊंगा पहले, फिर मैं खाऊंगा, तो यहाँ पर बाबूजी खाएंगे। तो चलिए पहले खा लेते हैं दोपहर का लंच। ये डालमा, ये आलू चुका का साथ साथ, फिलहाल टाइम हो रहा है शाम को 5 बज रहा है, तो अभी तो पानी दे रहे हैं वो सारे पौधे में, देखिए ये फूल का पौधा इस तरफ लगा है, तो हमारा वो दीवार का साइड, तो यहाँ पर लगा है, तो आम का पेड़ लगा था छोटा छोटा, ये देखिए ये वाला जो आम का पेड़ है ये वाला, तो ये आंध्रा से लेके आया था हमारा भाई, तो उस साइड भी एक पेड़ है छोटा सा, वो भी लेके आया था। तो यहाँ इस पर एकदम जंगल जैसा हो गया है, उसे काट के साफ करेंगे।
वाली शाम हो चुकी है, तो अभी टाइम हो रहा है 6:30 के ऊपर हो चुकी है। बस अभी बनेगा चाय, तो दिखाएंगे आप लोगों को कैसे चाय बनाएंगे हमारे घर में। तो ये भाभी बनाएगा चाय पत्ती, ये वाला पत्ती डाल के अभी बनाएंगे चाय। देखिए दूध में चाय पत्ती डल चुकी है, बस थोड़ा गैस थोड़ा हाई करते हैं। ये चाय में डलेगा तो ये रहा अदरक, अदरक डाल के बनाएंगे चाय। साथ में इलायची पाउडर भी डाल दिया भाभी ने, उसको थोड़ा बढ़िया आता है तो इसलिए इलायची पाउडर डाल दिया। ये देखिए साथ में डल रही है चीनी, ये हो गया चीनी। आज चाय पीने को मन कर रहा है तो इसलिए चाय बन रही है। तो हर दिन शाम को तो ये लाल चाय रेड टी बनती है, तो लेकिन आज बन रही है दूध की चाय, इतना सुंदर उबल रही है। फाइनली हमारा चाय बन के रेडी हो चुकी है, बस अभी चाय खाएंगे और चाय के साथ कुछ नाश्ता के रूप में मुड़ी खाएंगे, तो मुड़ी के साथ चाय। चलिए खाते हैं। फाइनली चाय आ चुकी है और साथ में मुड़ी, ये साथ में मुड़ी और चाय। फाइनली चाय बहुत स्वादिष्ट बनी है, इलायची का खुशबू बहुत मस्त आ रहा है। फाइनली टाइम हो रहा है रात को 9:30, बस अभी करते हैं डिनर। डिनर में खाएंगे रोटी, रोटी के साथ खाएंगे दाल। तो ये देखिए गेलू खा रहा है जाम लगा के, ये देखिए जाम लगा के रोटी खा रहा है। ये देखिए तो गेलू खा रहा है जाम के साथ रोटी और मैं खाऊंगा रोटी और दाल। तो चलिए खाते हैं और साथ में एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।